गाइस आवाज आ रही है टक टक। हेलो गाइस, मैं हूं अमित और आज अभी आपके कानों में जो आवाज पड़ रही थी वो थी इनकी। गाइस ये है हमारा अलार्म क्लॉक कलेक्शन। और आज हम आपको दिखाने वाले हैं बहुत ही अलग अलग तरीके की बहुत ही कमाल की घड़ियां, अलार्म क्लॉक्स, वॉचेस, कुछ भी कह सकते हो, ये सारी आपके सामने यहाँ पे रखी हुई है। इन सभी जो फीचर्स है वो बहुत ही कमाल के हैं। कोई नॉर्मल टाइम दिखाती है, कोई अलग तरीके से बजती है, कोई प्रोजेक्ट करती है चीजों को, कोई साइज में बहुत बड़ी है, कोई बहुत ही महंगी है, ऐसा बहुत सारी सबके अंदर वेरायटी है, सबकी स्पेशलिटी है कुछ ना कुछ। तो गाइज ये जो सारी क्लॉक्स है ये आज आपको हम दिखाने वाले हैं कि कैसे काम करती है, कैसे चलती है, क्या इनके फीचर्स है। और ये हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जब हमने लाइट कलेक्शन बनाया तो आप लोगों ने कहा कि अब हमको चाहिए अलार्म क्लॉक कलेक्शन। तो भाई आप बोलो और हम ऐसा ना करें, ऐसा तो कभी नहीं होता गाइस। तो अगर आपको इसके बाद में भी कोई और कलेक्शन चाहिए किसी भी चीज का तो प्लीज कमेंट, भाई खाली पड़ा है बॉक्स, बताओ यार, हम बैठे बनाने के लिए। फटाफट से शुरू करते हैं, सब लोग प्लीज इस वीडियो के लिए जो है लाइक का बटन जरूर से दबा दीजिए। दोस्तों आज मोबाइल के जमाने में लोग अलार्म क्लॉक्स को भूलते ही जा रहे हैं। बात तो सही है। जब मैं छोटा था तो उस टाइम पर इनकी जो अहमियत थी वो बहुत ज्यादा हुआ करती थी, क्योंकि ये हमको सुबह उठाती थी। लेकिन आज लोग क्या करते हैं, अपना फोन खोलते हैं, उसमें अलार्म भर लेते हैं और सुबह जो है उसके हिसाब से उठ जाते हैं, या नहीं उठ पाते हैं वो दूसरी बात है, लेकिन अलार्म जो है वो भर लेते हैं अपने फोन के अंदर। और ऐसे जो अलार्म है उसका जो जमाना है गाइस वो थोड़ा सा कम हो गया। लेकिन आपको एक बात बताऊं, ये मजा देखो, ये जो बज रही है घड़ी, इनका जो मजा है ना, इनका जो फील है वो बिल्कुल अलग है। ये असली की रियल अलार्म क्लॉक्स है। हमारा जो फोन है उसके अंदर सारे फीचर्स आ गए, लेकिन इसका काम सिर्फ और सिर्फ टाइम दिखाना और आपको जगाना ही है। इसके अलावा इसका कोई काम नहीं, ये अपने काम में एक्सपर्ट है। तो इसकी अहमियत कम नहीं हो सकती, इसकी वैल्यू कम नहीं हो सकती। और इसीलिए गाइस इतनी सारी अलार्म क्लॉक्स हमारे पास में रखते हैं। और जो अलार्म क्लॉक्स हमारे पास में नहीं थी वो भी हम आपको दिखाने के लिए लेकर के आ गए हैं। अब जो है क्लॉक्स के ऊपर आते हैं सीधा। सबको जो फीचर्स है ना बहुत ही मजेदार है, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा कि मैं किसके साथ में शुरू करूँ गाइस। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। दोस्तों इन सभी अलार्म क्लॉक्स में मुझे जो सबसे चमत्कारी अलार्म क्लॉक लगती है वो है ये वाली। ये जो है ये अलार्म क्लॉक है, इसके ऊपर ये पन्नी है दोनों साइड। देखो पन्नी को उखाड़ लेते हैं तब आपको और अच्छे से दिख पाए। और अब आप देखो भाई, इसमें से आप आर पार देख सकते हो। ये जो है ग्लास है, मतलब कि कांच है जिसके आर पार देखा जा सकता है। आप कहोगे भाई ये कहां से तो टाइम दिखाती है, ये कैसे चलती है? तो भाई इसका सारा चमत्कार यही है। जैसे ही मैं इसके अंदर बैटरी डालूंगा, ये देखो गाइस, देखा आपको आवाज आ रही है साउंड ऑन होने की। और ये देखो भाई, इसमें ही इस ग्लास के अंदर ही पूरी स्क्रीन आ गई है। देखो एक बार टाइम भी दिख रहा है इसमें, इसमें 10-20 चीजें और भी दिख रही अलग अलग। और ये देखो मेरा हाथ भी आपको पीछे दिखेगा। और जैसे अगर मैं इसमें से सेल निकाल लेता हूं तो सब कुछ चला जाएगा, ये गया, ये फिर से ग्लास ही बन गया। यहां पर इसके स्विचेस है पीछे के साइड में, ये देखो यहां पे ये दिखाता है कि आज कौन सा डे है, आज मंडे है। यहां पर ये नीचे, ये मतलब गलत दिखा रहा है, वैसे मंडे आज है नहीं गाइस। ये जो है 23 डिग्रीज का अभी टेम्परेचर है, यहाँ पे महीना डेट सब कुछ दिखा रहा है। इसको सेट करना पड़ेगा तो वो सही हो जाएगा गाइस। ये पहली चीज के लिए, पहले अलार्म क्लॉक के लिए लाइक का बटन जरूर से बनता है। अगर आपको अलार्म वगैरह सेट करनी है तो यहाँ पे ऑप्शन है, आप इनसे कर सकते हो, टाइम हम चेंज कर सकते हो, डेट वगैरह अपना सेट कर सकते हो। दोस्तों हमारे पास में कुछ छोटी छोटी क्लॉक्स भी हैं जो कि क्वालिटी वाइज बहुत ही अच्छी हैं। और इनकी कीमत की बात करें तो गाइज ये जो क्लॉक्स हैं ये भी 250 से लेके लगभग 400 रुपए की रेंज के अंदर आपको मिल जाएंगी। अलग अलग जगह पे जो है डिपेंड करता है। ये वाली जो है गाइज ये कैशियो की है ओरिजिनल, और ये जो है गाइज ऑर्बिट की क्लॉक है। आप कहोगे क्लॉक कहाँ है, तो वो है यहाँ पे। ये वाली उससे भी ज़्यादा क्यूट है और ये और भी ज़्यादा छोटी है। और इसका जो डायल है वो भी एकदम मतलब प्रीमियम फील आ रही है छोटी सी क्लॉक के अंदर ही। अगर अपनी टेबल है, टेबल का साइज छोटा है, उस पे हमको रखना है, अलार्म क्लॉक भी चाहिए, तो ये जो है बढ़िया वाला काम कर देगी। तो भाई ये दोनों क्लॉक्स हैं मस्त वाली। इसके अलावा हमारे पास और छोटी क्लॉक्स हैं जो कि हैं यहाँ पर दो, और ये दोनों भी अपने आप में बहुत खास हैं गाइस। इसमें जो है
इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रिक वाला जो अलार्म है वो है, जो स्पीकर बजता है वो वाला बजता है, ये ऊपर वाला हिस्सा जो है वो नहीं बजता है, इन वाली की तरह इसकी तरह नहीं बजता, ये घंटी नहीं बजती, लेकिन ये वाली घंटी जरूर से बजती है। और ये वाली जो क्लॉक है ये भी अपने आप में, इनका साइज देखो भाई, मैंने छोटी वाली जानबूझ के उठाई है क्योंकि इनमें मजा अलग ही है। अभी ये चल नहीं रही, इसके पीछे ये जो है, ये जो पन्नी है, जैसे इसको खींचूंगा देखना, ये मैंने खींचा गाइस, और यहाँ पे जो अलार्म जो क्लॉक है वो हो गई है स्टार्ट। तीन बटन से नीचे सारा कंट्रोल करना है, इसको ऐसे रख दो कहीं पे भी, या फिर इसका पीछे स्टैंड है इसको ऐसे रख दो, या फिर गाइस इसके पीछे एक मैग्नेट भी है, इसके ऊपर चिपकाता हूँ गाइस इसको, ये देखो ये चिपक गई। दोस्तों ये जो अलार्म क्लॉक्स हैं ये मेरी फेवरेट्स में से है, क्योंकि ये है ओल्ड स्कूल वाली अलार्म क्लॉक्स। ये जो है वो घंटियां हैं जो कि हमने अपने बचपन में कार्टून्स में हर जगह देखी होती हैं, आपने भी पक्का देखी होंगी। नहीं एक छोटी है जो कि गोल्डन कलर में है गाइस, ये भी काफी क्यूट लग रही है, लेकिन फील आ रही है इन दोनों में, और इसमें भी मुझे तो ये जो एसएस वाली है जो स्टेनलेस स्टील की फिनिश में है वो ज्यादा बढ़िया लग रही है। बाकी ये जो हार्ट शेप में है और इसे जो कलर है वो पिंक है, तो आप लोग समझ सकते हो। और इसमें खासियत है, जब इसको ऐसे लाते हैं ना तो कुछ बजता है, इसमें भी देखो बजता है कुछ गाइस। इसमें अलार्म भरने के लिए ये जो छोटी सुई है ये वाली जो कि अलग थलग पड़ी है, इसको घंटी की सुई पे लाना पड़ेगा, यानी कि जो आर क्लॉक है, जो आर क्या बोलते हैं यार इसको, क्या बोलते हैं आर, पैसा बर्बाद, हैंड बोलते हैं इसको, जो आर हैंड है गाइस इसके ऊपर लाना पड़ेगा, जो घंटी की सुई, जो घंटे की सुई है, घंटी थोड़ी होती यार, पहले ही फैसला कर ले, ये 50 शेड्स ऑफ बकचोदी मुझे समझ में नहीं आ रही है। अब लाते हैं इसको घुमा के, इसको लाता हूँ घंटे की सुई पर, देखते हैं क्या बजता है। ओ वो गाइस ये बज रही है बहुत ही तेज, बहुत तेज आवाज आ रही है गाइस इसकी, बहुत तेज आवाज आ रही है। और देखो क्या हो रहा है, ये जो चीज है ऊपर ये दोनों इन पे टकरा रही है, और पता है ये वही सिस्टम है जो पहले साइकिल की घंटियों में आता था, अभी भी आता है। साइकिल की जो घंटी होती है उसके अंदर ये कटोरी से लगी होती है ना, यहाँ पे दो लगी हैं और ये दोनों टकरा रही है, ये जो बीच वाला इसे दोनों पे टकरा रहा है, वो देखो क्या तेज आवाज कर रहा है। और चाहे तो इसको कहीं पे हैंग भी कर सकते हैं, नीचे इसका स्टैंड भी है, लेकिन इसकी आवाज बड़ी प्यारी है गाइस, क्या बात है गाइस। ये गिरने के बाद ही बंद नहीं होती गाइस, क्योंकि ये तो घूमता ही रहेगा, ये तो घूमता ही रहेगा, रफ एंड टफ भी है गाइस। चलो इसको गिरा के देखते हैं गाइस, इसका ड्रॉप टेस्ट कर देते हैं बजते बजते, इन 3-2-1 गो, कर दिया भाई। राजा जी अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो, कुछ नहीं हुआ गाइस, लोहे की बॉडी है कुछ नहीं हुआ, बंद करते हैं। अरे 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 गाइस 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 एक चीज मैं आपको दिखाना भूल गया, इसमें भी है वो फीचर, पीछे एक स्विच है यहाँ पे, मतलब एक बटन है, इसको जब दबाते हैं ना, ये देखो घड़ी के अंदर लाइट जलती है, एक बार लाइट ऑफ करना, ये देखो गाइस अब आपको दिखेगी लाइट, और ये आ रही है इससे, और इसकी मदद से रात को भी देखा जा सकता है। और ये जो है ना तीनों के अंदर है, इसके अंदर भी है, ये रहा देखो ये स्विच रहा, और ये वाली जो है गाइस इसमें भी ये रहा, ये देखो इसमें तो अलग ही लाइट जलती है, और इसमें तो छोड़ भी दो, एक काम करते हैं तीनों को ऑन कर देते हैं भाई। मजा आ गया गाइस, भाई बहुत तेज आवाज आ रही है इनकी, तीनों की बहुत तेज आवाज आ रही है। अरे बंद करो हाथ जोड़ के, मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। बस 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 भाई रुक जा यार बस। दोस्तों ये है हमारी अगली क्लॉक, और ये एक पूरी डिजिटल क्लॉक है, इसके ऊपर एक डिस्प्ले भी है, और मैंने जानबूझ के सिर्फ पन्नी नहीं हटाई ताकि आपको भी नई वाली फीलिंग आए। देखो गाइस इसमें आपको टाइम दिखेगा, इसमें आपको डेट वेट सब चीज़ दिख जाएंगी, टेम्परेचर भी दिख जाएगा, मंथ वगैरह भी दिख जाएगा, लेकिन कमाल की बात बताऊँ ये घड़ी बोल के भी बताती है क्या टाइम हुआ है क्या नहीं हो रहा है। इसको यहाँ रखता हूँ, अभी ये जो है ऑटोमेटिक एक्टिवेट हो गई, लेकिन इसको एक्टिवेट करने के लिए कुछ नहीं करना, टैप करना है। अरे It's 1:25 a.m. 22.0 degrees Celsius. बोल गाइस, ये लोग कह रहे थे कि इसमें सेंसर भी हो सकता है साउंड वाला, लेकिन नहीं है। इसको कितना ही तेज बोल दे, बोलो भाई बोलो, नहीं है।
इसको कैसे मारना पड़ता है, तभी बोलती है गाइस अगली जो वॉच है हमारे पास में, जो क्लॉक है बहुत ही मजेदार है, जो कि है ये। आप कहोगे व्हाट इज दिस गाइस, ये है बहुत ही मजेदार चीज। ऐसे तो आपको दिखेगा एक नॉर्मल जो डाइस सा होता है ना वैसा, लेकिन यहाँ देखोगे तो आपको दिखेगी घड़ी। और गाइस अब देखो गाइस इसकी लाइट्स दिखी आपको, चलो लाइट्स ऑफ कर दो एक बार। गाइस अब देखो ये जो है क्या शानदार दिख रही है गाइस, टाइम तो दिखाता ही है यहाँ पे, साथ ही साथ में इसकी जो लाइट है वो भी बदलती है, और जब लाइट बदलती है गाइस तो आता है मजा। क्या मस्त सी फील आ रही है गाइस, ऐसा लग रहा है कि ये जो है कोई फ्यूचर से आई हुई वॉच है, फ्यूचर से आई हुई क्लॉक है। लाइट्स ऑन कर दो भाई, और इसके अंदर सारी हर कलर की लाइट जलती है, बहुत ही मस्त लगती है, खासकर जब हमारे रूम की लाइटें ऑफ हो जाती हैं, जब हम सोने जाएंगे सबसे प्यारी चीज लगेगी ये। गाइज ये दोनों अगर आपको लग रहा है कि लकड़ी के टुकड़े हैं तो गाइज नहीं है, ये दोनों घड़ियां हैं अपने आप में। ऐसे नहीं समझ में आएगा, वो समझ में आएगा गाइज ऐसे या फिर ऐसे करके। अब आप लोग देखो गाइज ये जो दोनों हैं ये दिखाती है टाइम, और ये लकड़ी की सिर्फ दिखती है, इनमें यहाँ पे टाइम आता है। एक बार लाइट्स ऑफ करो जरा, और ये जो है ना ये लाइट इसके अंदर से आती है, देखो ये लाइट इसके अंदर से आ रही है, ये देखो। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा इसको देख देख के ये काम कैसे करता है, ये कोई डिस्प्ले है या क्या है, इसके अंदर पता नहीं क्या कैसी टेक्नोलॉजी है। और जैसे ही रखूंगा ना लाइट जल जाएगी, अब नहीं जलेगी, इसको हटाते ही लाइट ऑफ हो जाएगी, ये भी इसके अंदर कोई चीज़ है। और मतलब गाइस देखो इसके टाइम पे मत जाना, किसी भी घड़ी के टाइम पे मत जाना, टाइम ऊपर नीचे हो रखा है सभी का, हमने सेट भी किया कुछ कुछ का, लेकिन कुछ कुछ का नहीं किया तो उल्टा सीधा सबका हो रखा है। लेकिन आप ये देखो गाइस जो चीज है वो कितनी मजेदार है भाई, यहाँ पर इसकी बैटरी जलती है, इसमें यहाँ डलती है और इसके अंदर यहाँ डलती है गाइस, दोनों में तीन तीन छोटे वाले सेल डलते हैं और जब जा करके ये काम करती है। दोस्तों ये जो चार क्लॉक्स हैं ये सारी की सारी नॉर्मल वाली क्लॉक्स हैं, लेकिन इनके डिजाइन्स अलग अलग हैं, इनके बारे में आपको ज़्यादा नहीं बताऊंगा, ये आप लोगों ने भी देखी होंगी यूज़ करी होंगी। ये वाली जो क्लॉक है ये मैंने यूज़ करी थी 12th क्लास में, जब मैं 12th क्लास में था, 11th 12th में मैंने कोटा में यूज़ करी थी, मतलब ये नहीं थी लेकिन सेम ऐसी ही दिखती थी, यही कंपनी की यही मॉडल, लेकिन ये तो थोड़ी सी नई है, वो तो बहुत पुरानी हो गई होगी। यहाँ पर इनके जो कीमत की बात करें तो वो है गाइस 150 से 300 रुपये के बीच में। दोस्तों ये जो चार क्लॉक्स हैं ये है डिजिटल डिस्प्ले वाली, और इन सभी के अंदर एक डिस्प्ले है जो कि सारी चीज़ें दिखाती है, टाइम वगैरह, कौन सी डेट है, कौन सा डे है, चारों में यही आता है। लेकिन कुछ कुछ खासियत भी है, ये वाली एक एकदम ऐसी बॉक्सी शेप की है, इसको चलाने के लिए गाइस, अब गाइस पता नहीं इसकी जो बैटरीज हैं वो डाउन हो गई या क्या हुआ, ये नहीं चल रही है, एकदम मिरर जैसी है चमकीली, लेकिन पहले चलती थी, पता नहीं क्यों नहीं चलती, जो भी है इसको रख देते हैं यहाँ पे। ये वाली बड़ी शानदार है, इसमें एक स्विच है लाइट का, ये दबाते हैं और देखो गाइस पूरी में किस तरीके की मस्त वाली लाइट आ जाती है, क्या जबरदस्त ये लगती है। ये वाली ब्लैक कलर की है, ऐसा लगता है जैसे टीवी रखा हुआ है, जैसे अपना एलईडी होती है ना टीवी, साइड से भी ऐसा लगता है, पीछे से भी ऐसा लगता है, और सामने से भी गाइस ये जो है ऐसा ही लगता है। और ये वाली जो है ये एक पुराने जमाने के टीवी के जैसी है, देखो जिसके पीछे थोड़ी सी मोटाई है, यहाँ पे बड़ा बड़ा टाइम वही डेट वेट सबको दिखाती है, यहाँ लाइट का स्विच है, देखो लाइट लिखा हुआ है, और जैसे स्विच को दबाते हैं ये देखो गाइस इसमें लाइट जल जाती है। गाइस जिसमें मैंने अभी अभी अलार्म सेट करी है भाई, बिल्कुल टीवी जैसा लगता है, देखो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कि टीवी रखा हो घर में, और अब देखते हैं कैसी बजती है। बज गई गाइस अलार्म, बज गई, क्या बात है। दोस्तों ये जो वॉच है ये एक्चुअली में एक स्टॉप वॉच है, और इसमें यहाँ छोटी डिस्प्ले जिसमें ये टाइम भी दिखाता है, और यहाँ पर आप टाइमर और स्टॉप वॉच भी लगा सकते हो, जैसे स्पोर्ट्स में कोचेस हैं जो PTIs हैं वो जनरली इसको रखते हैं ताकि किसी की दौड़ का टाइम या ये सब जो है वो मेजर कर सके। गाइस अब आते हैं आज की एक बहुत ही अनूठी क्लॉक के ऊपर, जो कि है यहाँ पे गाइस। इस क्लॉक की एक खासियत है, और यहाँ पर आपको दिखेगा गाइस टाइम, ठीक है 4:17 टाइम दिख रहा है, लेकिन ये जो है बहुत सारा कमाल भी करती है। उसके लिए हमको इसके नीचे बहुत सारे स्विच हैं, एक स्विच को दबाना पड़ेगा और इसको एक्टिवेट करना पड़ेगा। और गाइस अब देखो इसमें तो जल गई लाइट, अब आप कहोगे यार ये क्या खास है, ऐसे तो आपके इनमें भी था और भी क्लॉक्स में था। गाइस वो मजा अभी बाकी है, लाइट्स ऑफ कर दो, ऑफ कर दो, ऑफ। तो यहां पर जैसे ही हम बटन दबाते हैं आप लोग ये देखो गाइस, यहां पर इसके ऊपर ऊपर वाले हिस्से में से लाइट निकलती है, और ये जो है एक टाइम को रिफ्लेक्ट करती है गाइस। देखो टेबल के ऊपर ये मेरा हाथ है गाइस, मेरे हाथ पे टाइम दिखा रहा है 4:18, और ये काम हो रहा है ऊपर से, और ये लाइट ऊपर से आ रही है यहां से, देखो अरे 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 पता नहीं क्या दब गया,
आवाज भी आ रही है गाइस। और अगर मैं इसको छत में मारूं या पीछे मारूं तो देखो आप, देखो भाई साहब लाइट्स ऑन कर दो एक बार। देखो गाइस कितनी बड़ी जगह पे, कितनी बड़ी जगह पे जो है ये प्रोजेक्ट करता है यहाँ से, यानी कि यहाँ से तो दिखाता है, यहाँ से भी प्रोजेक्शन करता है और यहाँ से भी दिखाता है गाइस। सबसे कमाल की चीज है यार, टाइम जो है वो आपके दीवार पे पर्दे पे कहीं भी दिखा देगी ये गाइस। एक बात मैं आपसे भी पूछना चाहता हूँ कि इतनी सारी क्लॉक्स आपने देखी हैं, आपने इनमें से कौन सी घड़ी यूज करी है और कौन सी क्लॉक आप अभी यूज करते हैं, या फिर आप मोबाइल वाले हो चुके हैं कि मोबाइल में ही आप अलार्म क्लॉक सेट करते हैं उसमें टाइम देखते हैं, अपने घर में या अपनी टेबल पे, अपनी डेस्क पे, अपने स्टडी टेबल पे आप कौन सी इसमें से घड़ी यूज करते हैं भाई, मजा आएगा, जल्दी बताओ नीचे कमेंट्स में। गाइज इतनी सारी क्लॉक्स आपने देखी, आप भी सोच रहे हो कि ये जो है कितने रुपए की आई है टोटल, तो गाइज ये जो पूरा अलार्म क्लॉक कलेक्शन है ये हमारे पास में जितनी घड़ियां उनकी सारी कीमत अगर लगाई जाए तो वो है लगभग 25,000 रुपए। अब वो एरिया के हिसाब से अगर आप खरीदते हैं तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन इतनी सारी जो घड़ियां गाइज आपको इतने में ही मिलेगी। और इसमें भी अगर आप सबसे महंगी घड़ी की बात करें तो गाइज वो है ये वाली, इनमें भी बहुत ज्यादा डिफरेंस है। ये वाली जो घड़ी है ना गाइस वो एक्चुअली में सबसे महंगी है, ये घड़ी है 8,000 रुपए की। अरे देवा, ये है गाइस अजंता की, इसकी कीमत है 2,200 रुपए की आपको ये मिल जाएगी। इसका लुक बड़ा ही शानदार है, नॉर्मल जो इस साइज की घड़ियां आती हैं वो आती हैं 600-800 की, लेकिन इसके अंदर ये जो फीचर्स है, जो एक इसके अंदर पेंडुलम है जो कि हिलता रहेगा, इसका जो लुक है ऑल ओवर वो बहुत ही मस्त है। और साथ ही साथ में गाइस ये जैसे घंटा पूरा होगा वैसे ही आवाज भी करेगी, और वो सिस्टम आपको पीछे मैं दिखाता हूँ यहाँ पर। और यहाँ पर ये तो है घड़ी का सिस्टम यहाँ पे, और ये जो है ना ये है साउंड का सिस्टम, यहाँ से पेंडुलम चलता है, सिंपल सी बात है। गाइस साउंड सुनाओ इसका, ये लो, कई सारे साउंड्स है इसके अंदर, ये वाला भी है, ये वाला भी है, और घंटा पूरा होते बोलेगी टन। अब इसको बंद कर देते हैं, आवाज़ कम ज़्यादा कर सकते हैं यहाँ से इसकी। और साथ ही साथ में आप सोच रहे होगे कि यार अगर सो गए, नींद आ गई और उसके बाद में अगर ये टन बजेगी हर घंटे पे तो ये तो डिस्टर्ब करेगी, नींद से उठा देगी, तो उसके लिए एक मज़ेदार चीज़ है यहाँ पे, ये है एक सेंसर, और ये लाइट सेंसर है। अगर आपके रूम की लाइट्स बंद है तो इसकी आवाज़ भी बंद हो जाएगी, फिर ये नहीं बोलेगी। तो गाइज अब आ ही जाते हैं उस चीज़ पे जिसका आपको इंतज़ार था। गाइज ये है सबसे महंगी घड़ी 8,000 रुपए की, ये है गाइज अजंता की, और आप इस घड़ी की बिल्ड क्वालिटी देखो भाई, ये एक्चुअली में चीज़ है और समझ में आ भी रही है कि ये जो है मज़ेदार चीज़ है। और यहाँ ऊपर ये जो हिस्सा है ना इसमें बहुत ही कमाल की चीज़ होती है, इसका जो दरवाज़ा है वो खुलता है गाइज, और अंदर से एक चिड़िया बाहर आती है, देखो ये देखो ये चिड़िया बाहर आती है, पूरी एक झोंपड़ी बनी हुई है, एक हट की शेप बनी हुई है, और पीछे से भी इसकी जो क्वालिटी है ना गाइज वो एकदम सॉलिड है हर चीज़ की। इसको ऑन करते हैं, मज़ा तो तब आएगा गाइज। ये ऐसे खुलता है, इसके अंदर एक फोम निकलता है, उसके अंदर ये इसके कुछ पार्ट्स निकलते हैं, इसके पेंडुलम जो नीचे लटकेगा, और इसकी एक दो चीज़ें हैं। और यहाँ पे आप देखो ये है अंदर का हिस्सा, यहाँ पर ये जो कंपार्टमेंट है इसके अंदर डलते हैं इसकी बैटरी यानी कि सेल, और इसके अंदर डलते हैं गाइस ये वाले मोटे वाले सेल जो कि पहले रेडियो वगैरह में डलते थे, और 4 सेल डलते हैं। तो भाई इसके अंदर मैंने बैटरीज डाल दी हैं और इसके नीचे की तीनों चीज़ें भी सेट करती हैं, और अब आप इसका लुक देखो गाइस, क्या मस्त इसका लुक लग रहा है। तो गाइस तैयार हो चिड़िया बाहर निकालने के लिए घर में से? चलो यहाँ पे स्विच है, इसको दबाऊंगा और आप देखना चिड़िया के साथ क्या होता है। ये मैंने दबाया और गाइस आवाज़ आ रही है, चिड़िया निकली बाहर, और जो चिड़िया है वो मुँह भी खोलती है भाई, मुँह भी खोलती है चिड़िया इतनी सी, देखो ओ वाओ, क्या बात है। और अभी तक बोल ही रही है, चिड़ियों के चहचाने की आवाज़ आ रही है, तो हमारी चिड़िया ही बाहर आके बोल रही है, अभी अंदर भी घुसेगी शायद, नहीं घुसेगी तो हम घुसा देंगे इसको दबा के ज़बरदस्ती। वो गई, वो अपने आप बंद हो गई। गाइज ये है इसका कमाल, टाइम तो दिखाएगी, और इसकी जो चिड़िया है ना गाइज वो हर घंटे बाहर आएगी, हर घंटे बाहर आके बताएगी कि भाई 1 घंटा हो गया है, अब जिसको जो करना है वो करते रहो। तो गाइस ये था हमारा अलार्म कलेक्शन 25,000 रुपए का। अगर आपको मजा आया इसके अंदर तो लाइक का बटन जरूर से दबाना, जो बनता है भाई इसके लिए तो लाइक करना बनता ही है। आगे क्या कर, अरे ठीक है यार चली जा, लेट्स गो, जाओ गुड गर्ल। तो गाइस
वीडियो के लिए लाइक का जो बटन है वो दबाना जरूर से बनता है। आगे क्या कलेक्शन आपको चाहिए वो बता देना नीचे कमेंट्स में। आप बता दोगे तो भाई बस आपकी टेंशन खत्म, हमारी टेंशन शुरू। हम बना देंगे उसका कलेक्शन और आपको नई नई मजेदार चीजें दिखाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय। और एक हाथ मैंने इसलिए लगा रखा है कि जैसे इसको छोड़ूंगा ये पीछे गिरती है, या तो इसको दीवार पे लगाओ या फिर इसके नीचे कोई चीज रखो, तब जाके रुकती है गाइस ऐसी।